नमस्कार, परीक्षा प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष पाठक। आज आयोग यूपीपीसीएस 2000, मैं आपको बता दूं टॉपर के बारे में थोड़ा। तो आप जो टॉप थ्री देखोगे तो जो हमारी देवियां हैं उन्होंने परचम लहराया है, ठीक है। तो देखा जाए जो पहली टॉपर हैं वो अनुज नेहरा हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है वो हरियाणा है। अगर संगीता राघव की बात किया जाए तो ये भी आपके कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। तीसरे नंबर पर आपको देखा जाए तो ज्योति शर्मा है, 18 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। तो ज्योति शर्मा ये आपकी जो हैं वो मथुरा की हैं। तो इस रिजल्ट में हमें ये देखने के लिए मिला कि जो भी बच्चा थोड़ा सा भी जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था आपका, अगर हम बोले यूपीपीसीएस का, उसको अगर हट के, मतलब जो फोकस हो गया किस डायरेक्शन में, आपका जो यूपीएससी का डायरेक्शन था, ठीक है, उस डायरेक्शन में जो फोकस हो गया उसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि जो आपका मेंस के क्वेश्चन बने थे ना इस बार, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बने थे आपका। चाहे जो भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे आपका जो भी पहला पेपर वन उठा लो, पेपर टू उठा लो, चाहे आपके ऑप्शनल का जो भी सब्जेक्ट हो उन सब का भी देख लो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। उनको मौका भी दिया गया था, भाई पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ उनको सहूलियत दी गई थी। तो उस हिसाब से जिसने ये सोच लिया कि भैया जब ये सिलेबस यूपीएससी का है तो हमें लिखना भी उसी के माध्यम से पड़ेगा, वर्ड लिमिट थोड़ी आपकी यूपीएससी से कम है यहाँ पे, तो हमें सब कुछ दिमाग में रख के जो बच्चा इस पे मेहनत कर लिया, ठीक, उनका जो है चयन फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो यही सब ध्यान रखते हुए हम 2019 का एनालिसिस करते हैं। पेपर कौन सा हुआ? प्री हुआ है, अभी मेंस आपका बाकी है, होने वाला है। तो प्री में हम देखें तो आपके 2018 का जो प्री था 2019 के प्री की अपेक्षा काफ़ी अच्छा स्तर रहा, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आपको एक बार मैंने आपको सहूलियत दे दिया, अब जो 2019 का प्री है इसमें आपको मैं दर्शन दिखा दे रहा हूँ यूपीएससी का, ठीक है। तो उस पैटर्न पे आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो जो बच्चे अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो वो ठीक हो गया, लेकिन जो ट्रेडिशनल तैयारी कर रहे थे ना, वो जब पेपर दे के आए तो संस्था में जब मिले हमसे तो कह रहे हैं सर पेपर तो इस बार बहुत दिक्कत देने वाला आ गया था, मतलब बहुत वो पूछ लिया था कि ये जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, सिर्फ फैक्ट बेस पे हम जाएं तो हम नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो मेरा कहना यही है, वो एक डेमो था, उसके साथ ही साथ अभी रिसेंट में आपका बीओ का एग्ज़ाम हुआ, वो भी यही दर्शा रहा है कि भैया पेपर पूरा का पूरा जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो आपको संघ लोक सेवा आयोग को पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। तो हमें उसी तरह से तैयारी करना है कि कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी एनालिसिस निकालनी है पेपर की, कि करंट के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से घुस के पूछ रहा है, तो उन पे मेहनत करना है। तो मैं उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे वो ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, वो अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज दें। मेहनत तो उनके पास है, भरपूर मात्रा में है, वो मेहनत करते आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे, सिर्फ मैं उनको थोड़े डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। सब कुछ आप पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा आप अगर डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका दूर नहीं रहेगा। अब थोड़ा हम नए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे नए बच्चे होते हैं, जैसे आज रिजल्ट आया तो उनका एकदम हाईली मोटिवेटेड हो जाता है, तो ये देखते हैं कि मैं इन्होंने टॉप मार्क्स लिए, ये सीएम बन गया, ये डिप्टी एसपी बन गया, ठीक। तो ये उनका कहीं ना कहीं अंदर से आने लगता है, उनका ड्रीम होता है, उनका सपना होता है कि काश मैं भी एक जगह पहुँच जाता। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप कोई आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप कॉन्स्टेबल ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी क्लर्क क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम होता है अंदर से वो आपका निकल के आता है, यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ये बन सकता हूँ। सब जैसे गांव में मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग तो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब भी कोई बुजुर्ग से आप लोग पैर छूते हो तो वो कहते हैं अरे बचवा डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ। तो कहीं ना कीवर्ड जो है ना डीएम एसडीएम का, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए जो बच्चे जो इस उनका ये ड्रीम है, सपना है, उसके लिए परीक्षा प्लस टीम वो आपके सपने को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, ठीक। आपको क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कहते हैं सर, कि जैसे हमसे मिलते हैं कुछ लोग, मैसेज करते हैं कि सर मैं प्रिपरेशन तो करना चाहता हूँ इस चीज़ की, मैं अपने ड्रीम को फुल करना चाहता हूँ सर, मगर समझ में नहीं आता कि हम कैसे उस अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए। तो वो क्या होता है कि ना उनको एक गाइडेंस मिल पाता है, ना एक सही डायरेक्शन मिल पाता है,
उस गाइडेंस और डायरेक्शन के लिए हम आपके साथ हैं। तो जो बच्चे ऐसा महसूस करते हो कि मेरे को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं हो, खासकर जो बच्चे गांव क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे जो बच्चे एकदम इस फील्ड में नया हो, एकदम शुरुआत करना चाहते हैं और उनको समझ में ABCD कुछ नहीं आ रही है, ठीक सिविल सर्विसेज का कि जो मेरा सपना है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी एक ड्रीम है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्लेटफॉर्म पे जाऊं, कोई बता नहीं रहा, सब मुझे यही कर रहे हैं, सब कोर्स चल रहा है मुझे, मगर डिटेल में नहीं कोई बताने वाला कि इसका ए होता है, इसका बी ए होता है। तो मैं उसी बच्चों के लिए आज फोकस हुआ हूँ जो नए हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, चाहे ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं और जिनका ड्रीम है कि मुझे ये करना है, मुझे ये सपना अपना पूरा साकार करना है चाहे किसी हालत में, ठीक। तो उसके लिए ये प्रोग्राम जो है हमारी टीम एक लेकर आ रही है जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि बच्चे इस जो आप सपना देखे हो ना, इसमें ये स्टेज होता है, हम इस स्टेज से हम यहाँ पहुंच सकते हैं, और बहुत बड़ा नहीं होता है, लोग इसे बहुत बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये होती चीज सब कुछ सही है, अरे यार तुम इतने छोटे से इतना बड़ा हुए तो कितना समय लगा, ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, इसमें आपको एक निर्धारण समय में एक सही गाइडेंस में सही डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो सिलेक्शन आपका ड्रीम आपका जो बचपन से देखते आए हो वो श्योरली आपका पूरा होगा। तो आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए टीम ने एक फाउंडेशन बैच डिजाइन किया है। ये फाउंडेशन बैच आपका NCERT बेस्ड से स्टार्ट होगा, मतलब आपका सबसे पहले NCERT कवर कराया जाएगा जो 6 से लेकर 12 तक है। उसके बाद से आपके जितने भी रेफरेंस बुक हैं, ठीक है, उस बुक को हम लोग कवर कराएंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्योंकि हमें प्री कम मेंस करना है तो हम प्री के लिए भी फोकस रहेंगे और मेंस के लिए भी फोकस रहेंगे। क्योंकि देखो सिर्फ ये मैं कह दूं कि नहीं यार प्री के लिए मैं आपको फोकस कर रहा हूं, मेंस के लिए नहीं, क्योंकि मेंस का ज्यादा रोल है, प्री तो आप कहीं ना कहीं आप हमारे बेसिस पे करके कर ले जाओगे, मेंस की जो आंसर राइटिंग है ना जो, उसके लिए हम भी फोकस रहेंगे, आपको बताएंगे बीच बीच में कि आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा टीम के द्वारा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है और वो चीजें कैसे आपको आएंगी। सबसे शुरुआत में जो मैं बोला ना NCERT, फिर रेफरेंस बुक, फिर आपके जितने भी सोर्सेस हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। तो NCERT जब पढ़ोगे, कहने की बहुत छोटी चीज होती है NCERT, मगर ढंग से जब पढ़ोगे ना सब कुछ उसी में सम्मिलित है, समझ लो। तो पहले हम NCERT कवर कराएंगे, उसके बाद से आपका जो भी चीज प्री के लिए आपका जब एग्जाम होगा तो प्री से का भी काम कराएंगे, मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कराएंगे, आपका जो भी होगा आंसर राइटिंग उसको चेक किया जाएगा, बताया जाएगा कमेंट करके कि आप इस पर वर्क करो, आपको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है चीजें, इतना इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इस फाउंडेशन बैच के तहत दी जाएंगी, ठीक। इस फाउंडेशन बैच जो होगा वो आपको जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस फाउंडेशन बैच में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसे आप ओपन करोगे और उसे फिल करना है अपना डिटेल देके, ठीक है, और फिल करने के बाद उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद से जितने बच्चे आएंगे उन पे एक बैच बनेगा और ये पूरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, जिसका पूरा का पूरा डिटेल जो होगा कि क्लासेस कैसे कैसे शेड्यूल होंगी, क्या क्या चलेगा, क्योंकि देखो ये एक लंबा कोर्स है, बहुत छोटा कोर्स नहीं है, इसे मत मानना, ये एक साल का कोर्स है। मैं आप लोगों को 2021 के लिए प्रिपेयर कराऊंगा कि 2021 का जो UPPCS का एग्जाम होगा उसमें आप सीधे क्रैक कर जाओ और सीधे क्रैक नहीं सीधे फाइनल सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। जो आज आपकी ये ड्रीम है ना कि आज देखे हो कि आज ये फर्स्ट पोजिशन पे है, SDM बने हैं, DPSP बने हैं, वो रैंक हासिल करना है, तो इसके लिए टीम पूरी मेहनत करेगी, साथ साथ ये अपेक्षा करती है कि जो लोग इस बैच में एडमिशन लोगे, मतलब रजिस्टर करके आओगे पढ़ने के लिए, वो इतने ही मेहनत से के साथ टीम का साथ देंगे। तो चलो इसी के साथ ये सेशन हम एंड करते हैं और जो भी होगा इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप इस बैच के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलो इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।